नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है। 15 जून में जिन जिनकी कुंडली सिलेक्ट हुई थी उनकी मैं रीडिंग नहीं कर पाया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो आज मैं कर रहा हूँ। 15 जून के जिनकी कुंडली सिलेक्ट हुई, जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है, उनकी रीडिंग आज हो जाएगी, आज इस वीडियो में होगी। और आप लोग भी अगर अपनी फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप भी 15 दिन का जो राउंड है उसमें आप अपना कुंडली डाल सकते हैं। 15 दिन के राउंड में जिनकी कुंडली सिलेक्ट हो जाती है उसके उनकी कुंडली की रीडिंग, उनके सवालों के जवाब मैं हफ्ते भर के अंदर देने की कोशिश करता हूँ। इस बार 15 जून वालों की नहीं कर पाए क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो आज मैं करके दे रहा हूँ। अगर आपको अपनी कुंडली फ्री कुंडली चार्ट प्रोसेस में डालना है तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उसमें व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हाई लिख के भेजिए, नमस्ते लिख के भेजिए, मैं आपको पूरा डिटेल दे देता हूँ, आप उसको फॉलोअप करिए, जिसमें कि आपको अपने पर्सनल डिटेल्स देने होते हैं और चैनल सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे फॉरवर्ड करना होता है। अपने आपके दो सवाल आपको पुटअप करने पड़ते हैं। अगर आपकी कुंडली सिलेक्ट होती है तो मैं आपके दो सवालों के जवाब देता हूँ, आपकी मर्जी के हिसाब से आपके दो सवाल हैं वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, उसमें सिंगल पर्सन की रीडिंग होती है, कपल रीडिंग नहीं होती है फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग पे। बहरहाल, अब जो कुंडली मैं आज रीड करने वाला हूँ, जो पहली कुंडली है वो सुमित जी की है। आपका लास्ट का जो नंबर है, मोबाइल नंबर है 626 है। आपके एक सवाल है, करियर रिलेटेड सवाल है, करियर से रिलेटेड आपने पूछा है करियर कैसा रहेगा। शुक्र की महादशा चल रही है सुमित जी आपकी, 2017 से चली है 37 तक चलेगी। अभी शुक्र के अंदर चंद्रमा चल रहे हैं 24 में, उसके बाद राहु लगेगा, तो शुक्र जो है आपका चौथे स्थान में बैठा है और अभी चंद्रमा चल रहा है, तो चंद्रमा आप चंद्रमा अच्छा है, पंचम स्थान में चंद्रमा बैठा हुआ है। मुझे करियर से रिलेटेड समझ नहीं आ रहा आप क्या पूछना चाहते हैं, आपने इसको डिस्क्राइब नहीं किया है। बहरहाल, अगर मैं अगर इस कुंडली को देखूं तो इस वक्त जो शुक्र की महादशा होने के कारण मुझे लगता है जी कि आपको होम ग्रोन बिजनेस पे ज़्यादा अच्छा फोकस करना चाहिए। आप अपने घर पे बैठे या जो सिटिंग अगर कोई काम करता है, या मदर के साथ कोई, अगर मदर का कोई बिजनेस है उसके साथ आप काम करते हैं, या फादर का कोई बिजनेस है उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, या आप कहीं बर्थ प्लेस से दूर जाके कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जो घर बैठे होता हो, तो उसमें आपको अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। एजुकेशन से रिलेटेड आप बिजनेस कर सकते हैं, उसमें आपको अच्छा ग्रोथ मिलने के चांसेस हैं। करियर से रिलेटेड अगर पूछा जाए तो करियर में अगर देखा जाए तो सातवें घर का मालिक, वर्क बिजनेस का मालिक चौथे घर में बैठा है, इस कारणवश ये अच्छा योग बनाता है। और राहु के साथ बैठा हुआ है तो राहु यहाँ पे मित्र है, तो मेरे हिसाब से आपके अगर अच्छा ग्रोथ अगर आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपको 24 के अक्टूबर के बाद मिलेगी, सदराहु के समय मिलेगी। लेकिन सावधान रहिएगा, यहाँ पे दिमाग बहुत तेज़ भागेगा, तो उसको फोकस तरीके से इस्तेमाल करिएगा। फोकस तरीके से अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा, फ़ायदा होगा, रिलेशनशिप में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, अच्छा रहेगा। फादर का बिजनेस भी आप संभाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे लगता नहीं है जी कि कोई मतलब आप इंटरेस्टेड हैं या कुछ ऐसा, बाकी अगर हैं तो अच्छी बात है। फीमेल रिलेटेड कुछ भी काम करिए, बिजनेस करिए, मतलब अगर आप फीमेल रिलेटेड मतलब कॉस्मेटिक्स हो गया, या आप एक्टिंग वगैरह या आर्ट्स वगैरह में अगर आप कुछ इंटरेस्टेड हैं तो उसमें भी आप काम कर सकते हैं। आप टीचिंग का काम अच्छा कर सकते हैं, टीचिंग में भी आपका अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। इसके अलावा आप पॉलिटिक्स वगैरह में भी कर सकते हैं, जो आपको सही लगे। तो आपके ऊपर, आपने करियर के रिलेटेड पूछा है, स्पेसिफिक अगर आप पूछते तो ज़्यादा और अच्छे मैं आपको बता पाता, लेकिन आपकी कुंडली अभी स्ट्रांग पोजीशनिंग में बैठा है। शुक्र की महादशा जो चल रही है आपको अच्छा पोजीशनिंग दे रही है, आपको अपने पर्सनल घर से ही आपको अच्छा बेनिफिट मिलने के चांसेस बना रही है। या फोर्थ हाउस से रिलेटेड, जैसे घर गाड़ी, अगर आप कैसे ऑटोमोबाइल बिजनेस में जाते हैं, जैसे सेकंड हैंड कार्स या और गाड़ियों की एजेंसी ले लेते हैं, तो ऑटोमोबाइल रिलेटेड चीज़ें करते हैं या हाउसिंग रिलेटेड कुछ काम करते हैं, उसमें भी आपको अच्छा बेनिफिट मिलने के चांसेस बनेगा। ग्रोथ थोड़ा स्लो होता है क्योंकि शनि के घर में बैठा हुआ है, और शनि जो अगर मैं देखूं तो आपके नवम भाव में बैठा, ये भी अच्छा बैठा हुआ है, तो टीचिंग और इन सब चीज़ों में भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। स्लो होगा लेकिन प्रोग्रेसिव होगा। उम्मीद करता हूँ आपके सवाल का मैंने जवाब दिया है। दूसरी कुंडली की तरफ चलते हैं। दूसरी जो कुंडली है वो इशिता की है। इशिता ने मुझसे पूछा जी कि उनका
करियर किस फील्ड में अच्छा रहेगा। इशिता सीधा सॉर्टेड है, अगर आप जॉब करेंगी तो भी अच्छा है और अगर आप बिजनेस करेंगी तो भी अच्छा है, क्योंकि आपकी जो 7th हाउस और 10th हाउस का मालिक है वो जुपिटर है और जुपिटर 2nd हाउस में जाकर बैठा हुआ है और चंद्रमा की राशि में बैठा है तो मित्र राशि में बैठा है जो कि अच्छा है, और चंद्रमा भाग्यस्थान में बैठा हुआ है जो और जो भी जो वो भी अच्छा है। तो अगर देखा जाए तो आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर कोई बिजनेस करती हैं या फादर से रिलेटेड, फादर अगर आपको भाग्यस्थान का जो मालिक है चंद्रमा बैठा हुआ है तो फादर का कोई बिजनेस है उसमें भी आप अच्छा इंटरेस्ट ले सकती हैं। अगर ऐसा नहीं है तो कम्युनिकेशन रिलेटेड आप कुछ भी काम करिए और अपने बर्थ प्लेस से अगर आप दूर किसी से कम्युनिकेट करके काम करती हैं उसमें भी आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब का ट्राई आउट कर सकती हैं, अच्छे चांसेस बन सकते हैं, आपके भाग्य का आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन वो भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड होगा। अगर आप मेडिसिन लाइन में हैं या आप इंजीनियरिंग या ऐसी कुछ चीज़ों में हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में है, टीचिंग लाइन में है, इन सब चीज़ों में आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप पॉलिटिक्स वगैरह में जाती हैं या आप सोशल वर्क में जाती हैं, एनजीओ कामों में जाती हैं, उसमें भी आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि गुरु आपके 2nd हाउस में बैठा है, आपके जो वाणी है वो टीचिंग और इन सब चीज़ों में या कम्युनिकेशन में अच्छा रहेगा। कम्युनिकेशन रिलेटेड कुछ भी आप काम करती हैं उसमें अच्छा रहेगा, इंजीनियरिंग से लेके कुछ भी आप सोच रही हैं वो करेंगे। हालांकि यहाँ पर ज़रूर एक चीज़ बोलूँगा, जैकि अगर आप जॉब करेंगी तो आपके लिए अच्छा रहेगा या फादर का बिजनेस संभालेंगी तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसमें आपको अच्छी बेनिफिट्स मिलने के चांसेस है। अगर आप बिजनेस भी फ्यूचर में करते हैं या पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं उसमें अच्छा रहेगा, लेकिन उसमें थोड़ा स्लो ग्रोथ होने के चांसेस है, लेकिन दोनों चीज़ें भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके लिए बेहतरीन समय है क्योंकि गुरु की महादशा भी चल रही है। 2039 तक आपकी 2023 से आपकी गुरु की महादशा लगी है और अभी गुरु में गुरु ही चल रहा है 2025 तक, तो हो सकता है अभी थोड़ा ऊँच नीच हो रहा हो, लेकिन 25 के बाद आपका समय और अच्छा चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा और गुरु यहाँ पे आपको अच्छा फल देता रहेगा। 39 तक जो 16 साल की जो गुरु की महादशा 23 को लगी है वो 39 तक चलेगी मार्च के, ये 16 साल आपके लिए बेहतरीन रहेंगे। कम्युनिकेशन में कोशिश करिए, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ काम करने की कोशिश करिए। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि गुरु की महादशा चल रही है, तो हो सकता है 2nd हाउस में गुरु बैठे हो सकता है थोड़ा बहुत हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम दे, तो अपने वजन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उसके अलावा खास कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत है नहीं। बहरहाल आपके सवालों का हो सकता है, मैं उम्मीद करता हूँ आपका जवाब मैंने दे दिया है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप चाहें एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, ये शनि आपके लग्न में बैठा हुआ है तो कार्यस्थान में अगर आप देखें तो आपको हो सकता है कि आप थोड़े से, शनि और सूर्य आपके लग्न स्थान में बैठे हुए हैं तो अगर मैं एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे थोड़ा सा मेंटल डिस्टर्बेंस रहेगा, आप क्या करें ना करें, मतलब डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं शनि और सूर्य के जो थिंकिंग है दोनों सेम नहीं है, बिल्कुल अपोजिट थिंकिंग होती है। पिता की थिंकिंग और बेटे की थिंकिंग जैसे होती है, लेकिन एक रिबेलियस बेटा और स्टबन पिता जैसे होते हैं, दोनों एक ही घर में अगर जाके बैठ जाए तो अथॉरिटेटिव हो जाने के कारण हो सकता है या एरोगेंस होने के कारण हो सकता है आपको नुकसान हो उसमें, और आपका एरोगेंस आपको लॉस करा सकता है। तो आप अपने इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा, अपने को एरोगेंस या थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइएगा, हमेशा नॉर्मल रहने की कोशिश करिएगा, इससे आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और अगर ग्रोथ मिलता है तो जितना आपको ग्रोथ मिले उतना ही आप अपने आप को लेस एरोगेंट और ओवर कॉन्फिडेंस जितना भी हो सके उतना कम रखिएगा, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपके सवालों का जवाब दिया है इशिता, धन्यवाद। आखिरी जो कुंडली है वो हिमांशु जी की, हिमांशु जी ने पूछा जी कि करियर से रिलेटेड और उसमें सक्सेस कब मिलेगा। हिमांशु जी, अभी सक्सेस मिलने के चांसेस थोड़े कम है क्योंकि 2030 तक शनि की महादशा चले और शनि आपका नीच का होके लगन में बैठा हुआ है, इस कारणवश यहाँ पे आपको शनि काफ़ी आपको हम्बल बनाने की कोशिश कर रहा है या आपके लाइफ में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने की कोशिश करेगा और इस कारणवश आपको सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। अगर आप हम्बल हैं, सॉफ्ट है नेचर में और आप अपने आप को डाउन टू द अर्थ, डाउन मतलब ज़मीन पे रखते हैं, तो शनि यह आपको उतना डिफिकल्टी नहीं देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़े से भी एरोगेंट या थोड़े से भी आपको सबक सिखाएगा उसके बाद ही फल देगा। तो जीवन में जितने भी ऑब्स्टकल आ रहे हैं उसको थोड़ा सा उसमें से लर्निंग प्रोसेस को लेके चलिए, उसमें से जो अगर लगता है जी कि कुछ आपने गलत किया तो उसको ठीक करने की कोशिश करिए, तो शनि यहाँ पे नीच का भी आपको अच्छा फल देने के लिए बाध्य रहेंगे। क्रूर ग्रह हैं,
इसलिए थोड़े से हार्श ग्रह हैं, इसलिए थोड़ा सा रफ चलेंगे, लेकिन अगर अच्छा कार्य करते रहेंगे तो बेनिफिट मिलेगा। शनि के उपाय करिएगा, सरसों के तेल का डोनेशन करिए, डॉग फीड करिए, शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा शनि का सरसों के तेल का डोनेशन करते रहिए। अब बात करते हैं सक्सेस, अगर इसके बाद अगर इसके जस्ट बिकॉज शनि की महादशा चल रही है और आप सक्सेस के लिए हार मान के बैठ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। शुक्र आपके पहले घर में बैठा है और मंगल के घर में बैठा है, और मंगल के घर में शुक्र बैठा है, शुक्र के घर में मंगल बैठा हुआ है, यहाँ पर राशि परिवर्तन हुआ है। इस वजह से मैं जरूर बोलूँगा जी कि बिजनेस कार्यों में अगर आप जाते हैं या अगर फ्यूचर में आपके स्पाउस के साथ अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस में अगर आप चाहें तो लैंड का बिजनेस आप कर सकते हैं। करियर फील्ड अगर आप बिजनेस प्रॉपर्टी वगैरह में ढूंढते हैं या आप इंफ्रास्ट्रक्चर आर्कियोलॉजी में आर्किटेक्चर में ढूंढते हैं या कोई भी चीज़ जो ब्यूटीफाई करने के काम आती है उन सब चीज़ों में ढूंढते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक्टिंग अच्छा रहेगा, पॉलिटिक्स अच्छा रहेगा, लेकिन इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि शनि की महादशा है और शनि लगन में बैठा है, तो अगर आप कुछ भी ऊपर या नीचे करेंगे तो उसमें हो सकता है आपको बदनामी का सामना करना पड़े, तो इसलिए सावधान रहिएगा। शनि हालांकि 10वें और 11वें घर का मालिक है, लेकिन यहाँ नीच बैठा है तो शनि का उपाय करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसका उपाय करिए और अपने कार्यों पर ध्यान रखिए, अपने कर्मों पर ध्यान रखिए। हालांकि बिजनेस अगर आप करेंगे तो आप अगर चाहें तो एक्टिंग वगैरह बिजनेस कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में आप जा सकते हैं, आप फीमेल रिलेटेड कुछ भी कॉस्मेटिक वगैरह बिजनेस अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, और शुक्र से रिलेटेड कोई भी बिजनेस हो उसको आप कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल बिजनेस आप कर सकते हैं, मतलब जैसे आर्किटेक्चर हो गया या कुछ हो गया, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम मैंने पहले ही बोल दिया आप करिए, उसके लिए अच्छा रहेगा। बर्थ प्लेस अगर आप बर्थ प्लेस से थोड़ा दूर भी काम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसमें आपको अच्छी मदद मिलेगी, आपके लिए वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सक्सेस किस एज में मिलेगा, 2030 के बाद जब शनि निकल जाएंगे और गुरु आएंगे, गुरु हो सकता है आपको अपने बर्थ प्लेस से दूर भेजें 2030 के बाद, उस वक्त आपको सक्सेस अच्छा मिलेगा। इस वक्त पे तो थोड़ा सा स्ट्रगल पीरियड है, हल्का फुल्का सक्सेस लेकिन अभी भी मिलेगा क्योंकि मंगल की महादशा चल रही है। अपने शारीरिक ध्यान रखिएगा, हेल्थ का ध्यान रखिएगा, हो सकता है आप मेंटल स्ट्रेस इतना ले लें जिसकी बाद में आपको सक्सेस उसमें दिक्कत हो रही हो। अपने पर्सनल लाइफ का भी ध्यान रखिएगा, इस तो आपको मतलब गलत लोगों की संगति में मत आइएगा, गलत चॉइस मत करिएगा अपने लाइफ पार्टनर पसंद करते वक्त, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे, सोच समझ के काम करेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बहरहाल मैंने अपने तरफ से आपको जितना हो सके गाइड करने की कोशिश करी है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए। धन्यवाद।